हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके बारे में आपको आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, जो कि इस बार CUET के माध्यम से आपका हुआ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे आपको यूपी कैडेट में हम बताते हैं कौन कौन से कोर्स हैं, कहां कहां पर एडमिशन होता है, कितने कितने रैंक पर आपका सिलेक्शन होता है, उसी के ठीक परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ICAR के बिंदु में। तो यहां पर देखिए, और हर वर्ष की भांति आपको इस वर्ष भी काउंसलिंग के लिए, ICAR काउंसलिंग के लिए अगर जो भी स्टूडेंट अपना कराना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इस बार IARI की टीम हमारे साथ जुड़ करके काउंसलिंग करा रही है। जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि पूसा न्यू दिल्ली में वर्तमान में स्थित है, वहाँ की जो टीमें हैं, वहाँ के जो भी अभी आपके रिसर्च हमारे बैचमेट्स हैं, जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, ये लोग इस बार पार्टिसिपेट करके और जो सभी स्टूडेंट को घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग उनका कराएंगे और उनको चॉइस फिलिंग सीट दिलाएंगे। बहुत ही बेहतरीन अवसर इस बार आपको मिला है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी सर्विसेज क्या रहेंगी, रजिस्ट्रेशन हमारी टीम करेगी, चॉइस फिलिंग हमारी टीम करेगी, चॉइस लॉक हमारी टीम करेगी और अलॉटमेंट लेटर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, संपर्क करने के लिए नीचे दिया हुआ नंबर 9026974841, जिसकी फीस हो सिर्फ और सिर्फ 999। 999 में आपके 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होंगे, चौथा जो मॉपअप राउंड होगा वो भी कराया जाएगा, आप लोग घबराइए मत। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑनलाइन की जो काउंसलिंग है, 3 काउंसलिंग, उसकी फीस है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, IARI की टीम है हमारी, पूसा न्यू दिल्ली की, जो क्योंकि आपने अगर हमारे इंस्टा पे फॉलो भी किया होगा तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि हम IARI प्रॉपर जाते हैं और अपने मित्रों के साथ इंजॉयमेंट भी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ साफ साफ 2.1 डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एडमिशन इन 2024 और 2025। ठीक है, इसमें दे रहा है ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2024-25 एडमिशन टू 12th बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन। मतलब कहने का तात्पर्य कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आपको जो 4 वर्ष की ड्यूरेशन की डिग्री है, वो प्रोग्राम है जो, वो अवेलेबल टू इंडियन नेशनल बेस्ड ऑन मेरिट रैंक इन CUET के मेरिट रैंक के अनुसार ICAR UG 2024 कैंडिडेट्स में। नोट दैट द ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, इसको कहते हैं UG, आप शॉर्टकट में पढ़े हैं यहाँ पर, ICAR UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन नहीं आपका। अगर यही ग्रेजुएशन के बाद होता, BSc के बाद MSc के लिए होता, तो ये PG होता। ठीक है, देखिए क्या करा है। डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए प्रोफेशनल डिग्रीज एंड आर डिटेल्स एज अंडर। मतलब सभी ये डिटेल जो दिए हैं, जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, ये यहाँ पर 4 वर्षीय 4 वर्षीय ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें कोड देखते हैं और इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रोग्राम आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। बहुत जगह आप कॉलेजों में अपने देखेंगे कि BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स होता है, या फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर ही होता है। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में है, ICAR की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो ICAR से एक्रीडेशन है जिनके पास, उनके पास मिलता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, अब अगला देखिए, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ठीक, तीसरा देखेंगे बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेस। नेक्स्ट चौथा देखेंगे BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री। फिर नेक्स्ट देखेंगे BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस का मतलब ये होम साइंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर BSc ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये किसके लिए है, ये होम साइंस की जो स्टूडेंट होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, 7वां नंबर देखेंगे, BSc ऑनर्स सेरीकल्चर। ये आपके यूपी कैडेट में नहीं मिलेगा, बाकी ये सब मिलेंगे। ठीक
ठीक है। और ये भी छठा नंबर भी आपको यूपी कैडेट में नहीं मिलता है, जी एम एस सी मिलता है पीजी एंट्रेंस में, ठीक है, वो भी होम साइंस के लिए। फिर आठवां देखेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये भी आपके यूपी कैडेट में मिलता है। फिर नवां देखेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर ये भी यूपी कैडेट में मिलता है। दसवां नंबर देखेंगे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका यूपी कैडेट में मिलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आपके यूपी कैडेट में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे बारहवां नंबर बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, ये आपके यूपी कैडेट में नहीं मिलता है, ठीक है। और यूपी कैडेट में आपको बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस बीबीएससी मिलता है, लेकिन आईसीआर में बीबीएससी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे इसमें, बीटेक में आपका एक आया सब्जेक्ट शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी कैडेट में ही मिलता है, ठीक है। ये आपका शेड्यूल लिस्ट रही। अब आप जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कराएंगे तो आप अपना देख करके प्रोग्राम कौन सा चाहिए उसी हिसाब से आप करा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।